अब पटना वासियों को जाम से मिलेगी मुक्ति। 106 करोड़ की लागत से बना आर ब्लॉक फ्लाईओवर शुरू हो गया है। सीएम नीतीश ने उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि आर ब्लॉक फ्लाईओवर रविवार से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को इसका उद्घाटन कर दिया। अब आर ब्लॉक से नेहरू पथ यानी बेली रोड के बीच आवागमन आसान होगा। उद्घाटन के साथ ही फ्लाईओवर का तीसरा छोर बनाने के लिए आर ब्लॉक से जीपीओ की ओर आवागमन बंद कर दिया गया। यातायात डायवर्सन का प्लान पटना जिला प्रशासन तैयार कर रहा है। 106 करोड़ की लागत वाला यह हिस्सा 960 मीटर लंबा है। इसमें आर ब्लॉक चौराहे पर एलिवेटेड रोटरी भी बनाई गई है, जिसकी औसत लंबाई 125 मीटर है। औसतन 12 मीटर चौड़ाई वाले इस फ्लाईओवर से बिरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक चौराहा और विधानसभा की तरफ जाने वाले रोड की यातायात व्यवस्था सुगम होगी। इस फ्लाईओवर को विधानसभा की तरफ पहले से बने भिखारी ठाकुर पुल से भी जोड़ दिया गया है, जिसके कारण मीठापुर, गौड़िया मठ, जक्कनपुर जाने वालों को भी फायदा मिलेगा। इसका निर्माण वर्ष 2015 में शुरू हुआ था। इस फ्लाईओवर का तीसरा छोर हार्डिंग पार्क के तरफ बन रहा है, जो अगले साल चालू होगा। तीनों छोर बन जाने के बाद कंकड़बाग, पटना जंक्शन और करबिगहिया की तरफ जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। आर ब्लॉक फ्लाईओवर शुरू होने से बेली रोड, गर्दनीबाग, अनिसाबाद, फुलवारी समेत दर्जन भर इलाके में लोगों को अब जाम से निजात मिल जाएगी। बेली रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। पश्चिम पटना से आने वाले लोग सीधे सप्तमूर्ति तक चढ़कर इनकम टैक्स की ओर जा सकते हैं। दूसरा आर्म शुरू होने पर चिड़ियाटाड़ होते हुए कंकड़बाग बस स्टैंड जाने वाले इलाके के लोगों का फायदा होगा। फ्लाईओवर का पूरा हिस्सा शुरू होने की स्थिति में लोग अब बिना अवरोध के आ जा सकेंगे और इधर एयरपोर्ट पहुंचने में भी आपको सहूलियत होगी। तो अशोक राजपथ, कंकड़बाग और बाईपास के इलाके के अलावा हाजीपुर और उत्तरी बिहार से आने वाले लोगों को जाम का भय नहीं सताएगा। फ्लाईओवर पर चढ़कर सीधे सचिवालय की तरफ उतर जाएंगे, वहां से एयरपोर्ट तक आसानी से जा सकते हैं। पहले आर ब्लॉक पर जाम के कारण बेली रोड होकर जाना मजबूरी होता था। फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा भी 5 महीने में शुरू हो जाएगा। जब आपको बता दें कि इस आर ब्लॉक फ्लाईओवर में 3 आर्म है। रविवार से बिरचंद पटेल पथ से सप्तमूर्ति की ओर जाने वाला आर्म शुरू हो जाएगा। इससे सचिवालय और राजनीतिक दलों के दफ्तरों के बीच की दूरी कम हो गई है। मीठापुर ओवरब्रिज से जुड़ने के बाद फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा भी 5 महीने में शुरू हो जाएगा। मीठापुर फ्लाईओवर से जुड़ जाने के बाद बस स्टैंड, कंकड़बाग बाईपास, बुद्ध मार्ग आदि जाने वाले लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी सप्तमूर्ति से आर ब्लॉक गोलंबर तक ऊपर में रोटरी बन चुका है। यहाँ की रोटरी से इनकम टैक्स तक पहुँचना आसान हो जाएगा। वहीं जल्द ही गोलंबर की रोटरी से लेकर जीपीओ तक के आर्म का निर्माण शुरू होने से स्टेशन से भी लोगों को निजात मिलेगी। फिर लोग सप्तमूर्ति से चढ़कर सीधे गांधी मैदान, इनकम टैक्स, चिड़ियाटाड़, करबिगहिया समेत बस स्टैंड निकल जाएंगे। इस दौरान लोगों को राजधानी की भीषण जाम से